किसी ने क्या खूब कहा है, तुम चाहो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं, राह भी है वही और मंजिल भी है वही। फिर देर किस बात की, ये समय दोहराएगा नहीं, मौका भी है सही और वक्त भी सही। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई रोचक जानकारियों कड़ी प्रत्येक सोमवार की तरह इस सोमवार भी लेकर के आया हूं, जिसके जरिए हम आज जानेंगे कि छाता का आविष्कार और आविष्कारक कौन थे। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और जानते हैं यह आविष्कार। दोस्तों, बारिश का मौसम हो और आपको छाता याद ना आए, घर से किसी जरूरी काम से बाहर जाना है और अचानक बारिश शुरू हो जाए और फिर आपको छाता याद ना आए, सावन और भादों में जब बारिश का आगमन हो और आपको छाता याद ना आए, बारिश के मौसम में शरीर के अभिन्न अंग की तरह होता है छाता। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि पुराने जमाने में छाते का उपयोग बारिश के मौसम पानी से बचने के लिए नहीं होता था, उस जमाने में छाते का इस्तेमाल धूप से बचने के लिए किया जाता था। आज हम आपको रोचक जानकारियों की कड़ी में छाता का आविष्कार किसने और कब किया था, कैसे हुआ था, इसके बारे में हम जानें। मूल छाता का आविष्कार 4000 साल से अधिक पहले किया गया था। मिस्र, असीरिया, ग्रीस और चीन की प्राचीन कला और कलाकृतियों में छतरियों का प्रमाण है। इन प्राचीन छतरियों को पहले सूर्य से छाया प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। एक समय था जब छाते को सिर्फ महिलाओं के इस्तेमाल की चीज समझा जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसे इस्तेमाल सभी करने लगे। 16वीं शताब्दी के अंत में इटली में इसका चलन शुरू हुआ और उस वक्त से छाता राजाओं और सम्भ्रांत लोगों के सम्मान और शासन का प्रतीक भी माना जाता था। वहीं 17वीं शताब्दी में छाते का चलन फ्रांस में था और 18वीं शताब्दी तक ये पूरे यूरोप में फैल गया। दोस्तों, उस समय छाते को केवल महिलाओं द्वारा इस्तेमाल किया जाता था और उनके फैशन में शामिल था। वैसे छातों को मशहूर करने का श्रेय जोनस हनवे नामक अंग्रेज व्यापारी को जाता है। जोनस साल 1750 के दौरान बारिश में धूप में लंदन की सड़कों और गलियों में आने अपने छाते के साथ घूमते थे। उसी के बाद से धीरे धीरे लोगों को छातों का महत्व समझ आने लगा और छाता हर किसी के द्वारा इस्तेमाल किया जाने लगा। साल 1850 के दौरान छातों को नया लुक देना शुरू हुआ। दरअसल आदमियों के छाते का रंग ज्यादातर काला ही होता था, लेकिन बाद में महिला पुरुष दोनों के लिए ही रंगीन छाते बनने लगे। छाते से जुड़े कुछ रोचक तथ्य और जान लेते हैं। जैसे प्राचीन समय में अम्ब्रेला लकड़ियों और हड्डियों के बनाए जाते थे। अम्ब्रेला शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द उम्ब्रा से हुई, उसका अर्थ होता है छाया। छाता का उपयोग प्राचीन समय में धूप से बचने के लिए किया जाता था। बारिश के लिए छाता का उपयोग प्राचीन रोम में किया गया। 18वीं शताब्दी में छाता महिलाओं के सौंदर्य उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। 10 फरवरी को पूरे विश्व में अम्ब्रेला दिवस मनाया जाता है। प्राचीन चीन के लोगों ने इस पर मोम की परत चढ़ा दी, जिससे वह बारिश से बचाव में उपयोग किया जाने लगा। एक समय पूरे यूरोप में छाता सज्जनता की पहचान बन गया था। दुनिया की पहली दुकान जो छाता बेचने के लिए खुली थी, उसका नाम था जेम्स स्मिथ एंड सन्स। यह उस समय अपने तरह की इकलौती दुकान थी। 1830 में दुकान खोला गया और यह अब भी लंदन इंग्लैंड में 53 न्यू ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर स्थित है। इतना पुराना होने के बावजूद छाता आज भी पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। आज भी दुनिया में इसका चलन है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, सभी को बारिश के मौसम में छाता उपयोग करता है। 1852 में सैमुअल फॉक्स ने स्टील रिब्ड छतरी डिजाइन का आविष्कार किया। 1928 में हंस हॉपेट ने
जेब छतरी का आविष्कार किया। तो दोस्तों इस तरीके से छतरी या छाता का इस्तेमाल हुआ। छाते का फिल्मों में भी काफी इस्तेमाल किया गया। आपको याद होगा हिना की राज कपूर साहब का श्री 420 मूवी का कालकैजी गाना प्यार हुआ इकरार हुआ, जिसमें हीरो और हीरोइन अम्ब्रेला के नीचे रोमांस करते नजर आते हैं। तो दोस्तों छाते का आविष्कार के बारे में हमने आज जानकारी ली। इस तरीके से प्रत्येक सोमवार को हम एक नई रोचक जानकारी कड़ी लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद, और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। यह रोचक जानकारियों की कड़ी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और कमेंट्स कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई रोचक जानकारियों की कड़ी प्रत्येक सोमवार को पाने के लिए बेल आइकन।